वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। दिस इज पार्ट थर्ड ऑफ अवर लेक्चर सीरीज ऑन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। जो लोग ये लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 पक्का से देख लें। क्लियर? और जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए या तो मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर? ओके, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे क्रॉसिंग टाइम का कंसेप्ट। ठीक है, क्रॉसिंग टाइम के कंसेप्ट से CGL या कोई भी एग्जाम्स है उस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? तो क्रॉसिंग टाइम के कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना। ठीक है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, कुछ है नहीं इस पर खास। ठीक है, तो आप लोग आसानी से इसे समझ भी जाओगे। ठीक है, चलो पहले स्टार्ट करते हैं, रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि रिलेटिव स्पीड होता क्या है और कैसे आप लोग इसे अप्लाई करोगे। क्लियर? ओके, अच्छा सपोज करो, देखो एक केस ऐसा है कि एक बॉडी मूव कर रही है से ए, दूसरी बॉडी भी सेम डायरेक्शन पे मूव कर रही है बी। क्लियर? एक केस ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी मूव कर रही है ए ऐसे और दूसरी बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है बी। क्लियर? तो व्हेन, देखो ये केस वन, ये रिलेटिव स्पीड का मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, दिस इज केस टू। केस वन लिखो आप लोग, व्हेन बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन पे जा रही है। क्लियर? तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होता है आप लोगों का? रिलेटिव स्पीड हो जाएगा आप लोगों का इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, देख लेना आप लोग। क्लियर? मतलब देखो जनरली जो क्वेश्चंस आता है उसमें सपोज देखो ऐसा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई एक बॉडी मूव कर रही है 6 की स्पीड से और अनदर बॉडी मूव कर रही है 8 की स्पीड से और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है से 5 किलोमीटर्स, तो कितने देर पे ये बॉडी इस डिस्टेंस को कवर कर लेगी, ये वाला। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जनरली जो बॉडी पीछे चल रही होती है ना, मतलब हियर अगर बी पीछे है, ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो अगर बी पीछे है वो ए को तभी ओवरटेक मार पाएगा जब बी की स्पीड ज्यादा होगी ए से। क्लियर? क्वेश्चन ही तभी बनता है, नहीं वैसे दूसरा भी क्वेश्चन बन सकता है, सेपरेशन के लिए अगर क्वेश्चन पूछे तब उस केस में ए की स्पीड ज्यादा होगी। क्लियर? तभी तो सेपरेशन का होगा ना कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों ने क्या करना है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड जो भी इन दोनों में से बड़ा होगा, क्लियर, सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड होगा ए नगेशन बी। अब आप लोग इस नगेशन को मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं, इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने नेगेटिव साइन नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन ऐसा है ये 6 से चल रहा है ये 8 से चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 2 लिख देना आप लोग। क्लियर? इस केस में ओवरटेक का क्वेश्चन होगा ये, या मीट का क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि 8 ये 6 की स्पीड से चल रहा है ये 8 की स्पीड से चल रहा है, पीछे वाली बॉडी फास्ट है ना, तो कुछ ऐसा टाइम आएगा जब पीछे वाली बॉडी इस बॉडी से आगे निकल जाएगी, तो एक पॉइंट पे वो मीट करेगी उसके बाद वो आगे निकलना शुरू होगी। क्लियर? अच्छा दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये भाई 8 की स्पीड से चल रहा है ये 6 की स्पीड से चल रहा है, इस केस में क्या होगा, ये सेपरेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछेंगे कि कितने टाइम बाद बॉडी के बीच का सेपरेशन से 10 किलोमीटर हो जाएगा,
क्लियर। तो दोनों दोनों टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप लोगों को, दोनों केस में आप लोगों को रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट्स ही काम आएंगे। तो जो रिलेटिव स्पीड होगा, जब दोनों बॉडी मूव कर रही होंगी सेम डायरेक्शन में, तो ए नेगेशन बी, क्लियर। और आप लोगों ने क्या नहीं लेना, नेगेटिव साइन नहीं लेना है, क्लियर। दोनों केस में आप लोगों की रिलेटिव स्पीड 2 ही लेना है आप लोगों ने, ठीक है। इतना याद रखना काफी रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। ज्यादा अंदर रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ये वो सब करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन अगर आया होगा ना एग्जाम पे, तो दोनों की स्पीड को माइनस कर देना बस, और नेगेटिव साइन मत लेना इन केस ऑफ वन व्हेन बॉडी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, क्लियर। केस टू व्हेन बॉडी आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, से ए यहां पर जा रहा है और बी यहां से इसकी तरफ आ रहा है, इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? इस केस में रिलेटिव स्पीड हो जाती है ए प्लस बी, क्लियर। प्रैक्टिकली आप लोग लाइफ पे इसका एग्जाम्पल भी देखते हो, जितने लोग ड्राइव करते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल या कार या कोई भी अदर टाइप के व्हीकल्स, उन लोगों ने देखा होगा कि जब हेड ऑन आपकी दूसरी तरफ से कोई आदमी आ रहा हो और आप हेड ऑन एक दूसरे को क्रॉस करते हो, तो ऐसा लगता है कि बहुत स्पीड से क्रॉस हुआ। क्यों? क्योंकि उस केस में दोनों की स्पीड क्या होती है? ऐड होती है। और जब आप लोग किसी को ओवरटेक कर रहे हो, तो मतलब आप एक ट्रक को ओवरटेक कर रहे हो, तो आपको लगता है कि यार स्पीड काफी कम है, मुझे और स्पीड बढ़ाना चाहिए इस ओवरटेक को कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या है? ए माइनस बी की होती है, क्लियर। और जब हेड ऑन होते हैं आप लोग, उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? ऐड होती है, ठीक है। तो स्पीड डबल हो जाती है, मतलब कोई दूसरा आदमी 50 की स्पीड से चल रहा है जो आपकी तरफ आ रहा है, आप भी 50 की स्पीड से चल रहे हो, तो जब जिस पॉइंट पे आप लोग क्रॉस करोगे, उस पॉइंट पे आप लोगों को लगेगा स्पीड क्या है? 100 किलोमीटर पर आवर की, क्लियर। बस इतना कंसेप्ट याद रखना रिलेटिव स्पीड में, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने से क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, क्रॉसिंग टाइम का कंसेप्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक फॉर्मूला लिख लो, सबसे पहले आप लोगों को बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, मैं उसी फॉर्मूला का थोड़ा थोड़े मॉडिफाइड फॉर्म ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को बस ये याद रखना है, क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मतलब टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्लियर। तो आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग लिखोगे क्रॉसिंग टाइम ठीक है, आप लोगों का टाइम आ गया, देखो टाइम आ गया। डिस्टेंस क्या होगा क्रॉसिंग टाइम में? क्रॉसिंग टाइम मतलब दो बॉडी आपस में क्रॉस कर रही है, तो उन जो दो बॉडी की जो लेंथ है, ठीक है, उसका एडिशन जो आप लोग करोगे, दैट विल बी योर डिस्टेंस इन दिस केस। तो क्रॉसिंग टाइम, टाइम आ गया, डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे? डिस्टेंस होगा सम ऑफ लेंथ ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट बोल लो या बॉडी बोल लो, ठीक है, अपॉन रिलेटिव स्पीड। यहां काम आएगा आप लोगों का रिलेटिव स्पीड का फंडा, ठीक है, क्लियर। तो देखो इस पे आप कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट आप लोगों को बस इस कंसेप्ट को याद रखना है। से एक ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, और से एक आदमी खड़ा है, सिर्फ आदमी खड़ा है, क्लियर। तो इस केस में सम ऑफ लेंथ कितना होगा? देखो आदमी के लेंथ को तो हम लोग नेगलेक्ट कर ले, तो जो इस केस में लेंथ क्या होगी? लेंथ ये ट्रेन की लेंथ होगी। तो आप इस केस में सम ऑफ लेंथ क्या लिखोगे? आप लिखोगे लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस आदमी की तो कोई लेंथ ही नहीं होगी, तो जीरो लिखोगे अपॉन रिलेटिव स्पीड,
अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट कैसे आएगा देखो। अब तीन तरीके हो सकते हैं क्या, से ट्रेन इस तरफ मूव कर रही है एक्स की स्पीड से। एक केस ये हो सकता है कि आदमी यहाँ पर रुका हुआ है, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। सेकंड केस, आदमी वाई की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है, क्लियर, आदमी वाई की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, क्योंकि एक्स बड़ा होगा ना, स्पीड ऑफ ट्रेन ज्यादा होगा, ठीक है। तीसरा केस ये हो सकता है कि आदमी इस ट्रेन की तरफ आ रहा होगा y, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस क्लियर, तो रिलेटिव स्पीड यहां पर काम आएगा, ठीक है। और क्या केस हो सकता है देखो, और ऐसा केस हो सकता है ये एक ट्रेन हो, क्लियर, और यहाँ एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना हो ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म, तो उस केस में क्रॉसिंग टाइम क्या होगा, इस केस में सिंपल होगा, देखो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की भी तो लेंथ है अपनी, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आप लोग लिखोगे, अपॉन रिलेटिव स्पीड, प्लेटफॉर्म तो अब स्टेगनेंट ही होता है, हमेशा जीरो ही रहेगा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ही आएगा उस केस में, क्लियर। थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस देखो ऐसा हो सकता है कि ये ट्रेन हो, क्लियर, ये ट्रेन हो, ये तो ट्रेन भी स्नेल जैसा दिख रहा है, ठीक है, और एक और ट्रेन हो, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इस केस में ये सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ दिस ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दिस ट्रेन, क्लियर, क्लियर। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, क्लियर। रिलेटिव स्पीड भी आप लोगों को पता चल गया कि क्या है रिलेटिव स्पीड, कहां पर क्या प्लस करना है, कहां पे माइनस करना है, क्लियर। ओके, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट जो आपके एस्केलेटर्स में यूज होते हैं ना, वो अभी क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं रह गई, क्लियर। ओके, चलो क्वेश्चंस करते हैं और वहां पर देखते हैं इनके यूजेज। अच्छा ओके, देखो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक और बात देख लेते हैं। देखो आप लोगों को किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड पे, तो आप लोग क्या करोगे, जो चीज आप लोगों को से एक्स किलोमीटर पर आवर है ना, इसे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप अगर इसे 5/18 कर देते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हो इस एक्स किलोमीटर पर आर को, इंटू 5/18 से कन्वर्ट कर देते हो, ये तो ये मीटर पर सेकंड पे आ जाता है, क्लियर। और कुछ ही जगह मीटर पर सेकंड पे दिया हुआ है, से एक्स मीटर पर सेकंड है, तो इसे आप लोग 18/5 करते हो, क्लियर, तो ये किस में चेंज हो जाता है, किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 5/18, क्लियर। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 18/5, क्लियर। ये चीज याद रख लेना, आप लोगों के क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला ही है, पता ही होना चाहिए डायरेक्ट, अगर आप लोग चेंज कर सकते हो तो कर भी सकते हो खुद ब खुद, ठीक है। आर्स को मिनट पे कन्वर्ट करो और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, बस सिंपल से बात है, क्लियर। देखो किलोमीटर कितना होता है, किलोमीटर होता है 1000 मीटर्स, ठीक है, और आर्स पे कितने सेकंड्स होते हैं, 60 × 60, 1010010, 5 जा 3 जा, तो ये आ गया ना 5/18 वाला फैक्टर,
ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से आप लोग डायरेक्ट इसे याद रखो, क्लियर। अच्छा ओके, अब क्वेश्चन देखो। अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है 300 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ये कितना है 300 मीटर लॉन्ग, इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। देखो आंसर सेकंड्स पे है, ट्रेन का लेंथ मीटर पे है, तो आपको पता है इस किलोमीटर पर आवर को आपको किस पे चेंज कर लेना चाहिए, मीटर पर सेकंड पे चेंज कर लेना चाहिए देखते ही। तो 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, ठीक है, तो 18 1 जा 18 3 जा, तो आपके पास ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। ट्रेन की स्पीड आ गई। इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस अ टेलीफोन पोल, दूसरा क्या दिया है आप लोगों को, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है टेलीफोन पोल दिया है, क्लियर, दिस इज माई टेलीफोन पोल। क्लियर, वो पूछा गया है क्वेश्चन में, इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस, क्रॉसिंग टाइम पूछा है, क्लियर। तो क्रॉसिंग टाइम क्या होता है, क्रॉसिंग टाइम होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स या बॉडी। तो यहां पे एक तो ट्रेन है, बाकी टेलीफोन पोल की लेंथ को नेग्लिजिबल माना जाता है, क्लियर। इन्होंने लिखा नहीं है तब भी, जो भी एक इस टाइप के होंगे ना आपका, जैसे आदमी हो गया, टेलीफोन पोल हो गया, ठीक है, इन सब की लेंथ नेग्लिजिबल मानी जाती है। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर प्लस टेलीफोन पोल का मैंने 0 मान लिया अपॉन। अब देखो रिलेटिव स्पीड क्या है, यहां पर टेलीफोन पोल तो अपने जगह पर रुका हुआ है, ठीक है, तो प्लस 0 या माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, 15, ठीक है, या प्लस 0 या माइनस 0 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्यों ना टेलीफोन पोल इस तरफ आ सकता है ना उस तरफ जा सकता है, अपने जगह पर स्टैग्नेंट है। तो क्रॉसिंग टाइम टीसी कितना हो जाएगा इस केस में आप लोगों के पास, 300 डिवाइड बाय 15, दैट विल बी इक्वल टू योर 20 सेकेंड्स, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। ओके, होपफुली क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। देखो इन छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, और एक बार कॉन्सेप्ट आप लोगों के स्ट्रांग हो गए तो उसके बाद जितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, आपके प्री एग्जाम्स और मेन्स पे, एसएससी पे स्पेशली इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो ओके, टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइन इन सेम डायरेक्शन एट अ रेट ऑफ दिस एंड दिस, द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड्स, द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, ठीक है। अब देखो ट्रेन दिया है दो, टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइन इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन पे चल रही है, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 46 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक 36 से चल रहा है, दूसरा कितने से चल रहा है, 46 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। द फास्टर ट्रेन पासिस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड, ऑब्वियस है, इसीलिए मैंने पीछे वाले को फास्टर दिखाया, क्यों, क्योंकि अगर ये 36 हो जाता, ये 46 हो जाता, तो ये वाला ट्रेन कभी भी इससे आगे नहीं निकल सकता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फास्टर ट्रेन है ना, ये इस स्लोअर ट्रेन को 36 सेकेंड में क्रॉस कर देता है, तो आप लोगों को क्रॉसिंग टाइम दिया हुआ है, टी सी दिया हुआ है, क्या
36 सेकेंड्स। क्लियर? आप लोगों को निकालना है देन द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो मैंने ट्रेन की लंबाई क्या मान ली, से मैंने मान लिया एक्स मीटर का ट्रेन है, कितने का है एक्स मीटर का ट्रेन। क्लियर? तो आप लोगों को पता है टी क्रॉसिंग कितना होता है, टी क्रॉसिंग इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पे सम ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, टू एक्स अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी है देखो, 36 माइनस 46 करो या 46 माइनस 36 करो, ठीक है, क्वेश्चन पे कोई चेंजेस नहीं होंगे इतने। तो कितना आएगा ये 10 आएगा, 10 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। बट आपको पता है ये मैंने मीटर पे लिया है, टी क्रॉसिंग कितना है 36 मीटर में दिया है, तो मुझे इस किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड पे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा 36 इज इक्वल टू 2x अपॉन 10 इंटू 5/18। क्लियर? तो आप लोगों का x कितना आ जाएगा, x हो जाएगा आपके पास 36 इंटू 10 इंटू 5/18 इंटू 1/2, 18 टू जा 36, तो एक्स कितना आ जाएगा आपके पास 50 मीटर। द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन कितनी हो जाएगी, 50 मीटर। क्लियर? ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आप मैंने जो देखा है बच्चे लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे लोग क्या करते हैं, कभी कभी डिस्टेंस प्लेटफॉर्म आता है या कुछ आता है, उन्हें समझ में नहीं आता डिस्टेंस ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, कुछ नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, बस स्पीड रिलेटिव होती है उस पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ठीक है, अ ट्रेन रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर टेक 20 सेकेंड टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म एंड 12 सेकेंड टू पास अ मैन वॉकिंग इन सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म इज, अब दो कंडीशन दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, देखो क्या है। अ ट्रेन रनिंग, एक ट्रेन है, किस स्पीड से चल रहा है, 54 किलोमीटर पर आर, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चंस, ठीक है, टेक्स 20 सेकेंड टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म आया, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का टीसी कितना दिया है, क्रॉसिंग टाइम 12 सेकेंड, ठीक है। अब देखो ट्रेन की लेंथ नहीं पता, तो मैंने लेंथ ऑफ ट्रेन मान लो कुछ भी, LT मान लेता हूँ लेंथ ऑफ ट्रेन, और इसे LP मान लेता हूँ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। क्लियर? तो इस केस में इक्वेशंस क्या होगी आपकी, टीसी इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ट्रेन और प्लेटफॉर्म। तो आप लिखोगे LT प्लस LP अपॉन रिलेटिव स्पीड, यहाँ तो खाली एक 54 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो मूव नहीं कर रहा है, तो 54, 54 को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18, तो 18 वन जा 18 थ्री जा, और TC कितना दिया है आप लोगों को, TC आपको दिया है 12, ठीक है। तो आप लोग यहां से लिख सकते हो LT प्लस LP इज इक्वल टू 12 इंटू 15 कितना होगा, 180। क्लियर? इक्वेशन नंबर वन। सेकंड केस में क्या करता है, सेकंड केस में देखो क्या है, अब ट्रेन तो वही है आपकी, ठीक है, ट्रेन कितने से मूव कर रहा है, 54 किलोमीटर पर आर से, ठीक है, और ट्रेन का लेंथ क्या माना है मैंने, LT, और टू
एंड ओश यार, ये 20 था, 12 नहीं था, ये 20 था, सॉरी। ठीक है, तो 5 3 जा 15, 15 इंटू 2 ये 300 था। ठीक है, क्योंकि मैं ये 12 सेकंड तो मैन के लिए दिया है। ठीक है, तो बोलता है कि एक आदमी है, ठीक है, ये इन सेम डायरेक्शन टू पास अ मैन वॉकिंग इन सेम डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है, ये भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, इस केस का टीसी कितना है, इसका 20 है। इस केस का टीसी कितना है, 12 सेकेंड। क्लियर? तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, देखो टीसी क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं, टीसी इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, एक ट्रेन है, एक आदमी है। आदमी के लेंथ को तो ऐड नहीं करते, आप लोग लिखोगे एल टी अपॉन, अच्छा दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, आपको पता है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, 48 किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/80। क्लियर? तो यहाँ से एल टी कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से आपका आएगा एल टी इज इक्वल टू हो जाएगा, टी सी है 12 इंटू 48 इंटू 5/80, 6 2 जा 6 3 जा, 3 1 जा 3 1 जा 6 जा, 16 2 जा 32, 32 इंटू 5 160। क्लियर? तो एल टी लेंथ ऑफ ट्रेन यहां से कितना आ गया, 160 मीटर। ठीक है, तो एल टी आ गया 160, इसे यहां पर डाल दो आप लोग, ये कितना हो गया, 160 प्लस एल पी इज इक्वल टू 300। तो दूसरा कितना आ गया, एल पी कितना आ गया, एल पी आ गया आपके पास 140 मीटर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए। लेंथ ऑफ ट्रेन इज 160 एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 140। क्लियर? लेंथ ऑफ ट्रेन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को मार्क करने से पहले एक बार लास्ट लाइन पक्का से पढ़ लेना, वो ऐसे भी लिख सकता था यहाँ पे, फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन, और आप मार के आते क्या 160 और 140 जल्दी जल्दी पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, एक बार जब आप सर्कल मार्क कर रहे होते हैं ना ओ एम आर शीट पे, या टिक करके नेक्स्ट करने वाले होते, तो एक बार लास्ट लाइन पक्का देख लेना कि क्वेश्चन में क्या पूछा था और आप लोग क्या मार रहे हो। ठीक है, बहुत लोगों से ये गलती हो जाती है बहुत बार, ठीक है, मुझसे भी बहुत बार हुई है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? देखो क्वेश्चन इज, अब देखो, अब मैं आपको यहां पर समझाता हूं एस्केलेटर का क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है, देखो आप सब लोग एस्केलेटर में कभी ना कभी चढ़े होंगे, ठीक है, या तो दिल्ली मेट्रो पे चढ़े होंगे, या आप लोग किसी मॉल पे गए होंगे तो आप लोग एस्केलेटर के ऊपर चढ़े होंगे। ठीक है, अब एस्केलेटर पे क्या होता है, मान लो आप लोग एस्केलेटर के ऊपर चढ़े, क्लियर, सपोज दिस इज माय एस्केलेटर, और ये क्या है, मूविंग अप है, इसी के बगल में है, ये है मूविंग डम। क्लियर? आप आए, आप एस्केलेटर की स्पीड मान लेते हैं से एक्स स्टेप स्टेप पर आर पे लेते हैं ना इसकी स्पीड,
ठीक है, स्टेप पर आर, स्टेप पर मिनट ले लेता हूँ, ठीक है। एस्केलेटर की स्पीड क्या है, एक्स स्टेप पर मिनट, क्योंकि उस पर स्टेप बने हुए होते हैं ना, ठीक है। आप आए, आप एस्केलेटर के ऊपर चढ़ गए, क्लियर, ठीक है, आप एस्केलेटर के ऊपर चढ़ गए। अब आप चाहे मूव करो ना करो, एस्केलेटर क्योंकि एक्स की स्पीड से मूव कर रहा है, तो आप कुछ टाइम बाद यहां पहुंच जाओगे ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि एस्केलेटर क्या कर रहा है, एक्स की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लियर। मान लो अब आप लोग भी इस मूविंग अप एस्केलेटर में एक्स की, वाई की स्पीड से ऊपर चलने लग गए, वाई स्टेप पर मिनट लेने लग गए आप लोग, क्लियर। तो आप लोगों की स्पीड क्या होगी उस केस में, देखो एक्स तो एस्केलेटर की स्पीड थी, प्लस क्योंकि एस्केलेटर ऊपर जा रहा था और आप लोग भी ऊपर ही वाई की स्पीड से चलने लग गए, तो दोनों की स्पीड क्या होगी उस केस में, ऐड हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी, क्लियर। देखो एस्केलेटर भी अप है, आप भी अप हो, मतलब एस्केलेटर एक्स की स्पीड से ऊपर जा रहा है और उसी एस्केलेटर के ऊपर आप लोग वाई की स्पीड से जा रहे हो, तो दोनों की स्पीड इस केस में क्या होगी, ऐड होगी, एक्स प्लस वाई होगी, क्लियर। अब यहां पर वो रिलेटिव का कंसेप्ट लगा के सब्ट्रैक्ट मत लग कर देना, एक्स माइनस वाई मत कर देना व्हेन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, क्लियर। एस्केलेटर के केस में आप लोग खुद सोचो, अगर एस्केलेटर 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आप उसके ऊपर खड़े होते हो, तो इसका मतलब आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आर है, और आप लोग भी अगर चलना शुरू कर दो तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आर, तो एस्केलेटर की स्पीड है ही है, प्लस जिस स्पीड से आप लोग मूव करोगे वो स्पीड भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप लोग करके देख लेना, आप लोग जाना मॉल पे, आप दो फ्रेंड चढ़ना, ठीक है, एक फ्रेंड एस्केलेटर में पैदल भी चलना शुरू कर देना, ठीक है, और एक फ्रेंड एस्केलेटर पे अपनी जगह पे ही खड़ा होना, जाके जिस स्टेप पे आप लोग चढ़े वहां पे खड़े हो जाना और एक चलते रहना, तो देखना कौन पहले पहुंचता है, ठीक है, जो चलना शुरू कर देगा वो पहले पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो गई, स्पीड ऑफ एस्केलेटर प्लस स्पीड ऑफ जो उसकी अपनी स्पीड है, स्पीड ऑफ हिज बॉडी, ठीक है। तो दोनों की स्पीड जब एस्केलेट करके वो ऊपर जा रहा है तो ऐड होगी, जबकि जबकि मूविंग डायरेक्शन सेम है तब भी स्पीड क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ठीक है। तो रिलेटिव का कंसेप्ट यहाँ पर उल्टा लगता है कि एस्केलेटर ऊपर, आप भी ऊपर की तरफ जा रहे हो तो स्पीड ऐड। दूसरा केस, एस्केलेटर जा रहा है ऊपर एक्स की स्पीड से, आप उस एस्केलेटर पे नीचे आ रहे हो वाई की स्पीड से, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है आप उस पे नीचे आ रहे हो वाई की स्पीड से, तो इस केस में स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस वाई, क्लियर, ठीक है। अब आप जो एस्केलेटर है उसमें नीचे उतरने की कोशिश करना, तो आप लोग देखोगे कि अगर आप अपनी स्पीड बहुत तेज नहीं रखते तो आप उस पे नीचे उतर ही नहीं पाओगे, आप वहीं सीढ़ियों पे चढ़ते रह जाओगे, क्लियर। और ये ट्राई मत करना, ये वाला रिस्की होता है, इसमें गिरने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, ठीक है। अगर एस्केलेटर की स्पीड तेज चल रहा हो ना, तो आप जैसे ही अपना पहला पांव रखोगे उस टाइम पे आपकी बॉडी तो रेस्ट पे होगी, वो एस्केलेटर एस्केलेट करेगा और आप लोग वहीं पे गिरोगे, क्लियर। तो ये बात ध्यान रखना एस्केलेटर के केस पे, ठीक है, कि एस्केलेटर अगर ऊपर जा रहा है और आप भी उसके तरफ ऊपर ही जा रहे हो तो आपकी स्पीड ऐड होगी, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, क्लियर, और आप लोग नीचे की तरफ आ रहे हो तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी। सिमिलरली एस्केलेटर नीचे आ रहा है, आप लोग भी नीचे आ रहे हो तो स्पीड ऐड होगी, एस्केलेटर नीचे आ रहा है आप लोग ऊपर जा रहे हो तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी, क्लियर, ठीक है। रिलेटिव का ठीक उल्टा है एस्केलेटर के केस में, क्लियर। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैन वॉक अप अ मूविंग एस्केलेटर इन 30 सेकेंड, ठीक है, एक आदमी है, एक एस्केलेटर है, ठीक है। अब देखो स्पीड ऑफ एस्केलेटर होगी, से स्पीड ऑफ एस्केलेटर को मैं क्या मान लेता हूं, एस ई इज द स्पीड ऑफ एस्केलेटर। अ मैन वॉक अप, ठीक है, अब एक आदमी है वॉक अप अ मूविंग
एस्केलेटर एट 30 सेकेंड। अब ये आदमी भी जा रहा है, इस आदमी की स्पीड एस एम मान लेते हैं, और ये क्या बताए, ये 30 सेकेंड में यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? तो यहाँ पर देख लो, टाइम टाइम क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज दिस लेंथ ऑफ एस्केलेटर, यही डिस्टेंस होगा, डी अपॉन रिलेटिव स्पीड। इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ एस्केलेटर प्लस स्पीड ऑफ मैन। क्यों? क्योंकि एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, आदमी भी ऊपर जा रहा है, तो उस केस में टाइम कितना है, 30 सेकेंड। तो मेरा इक्वेशन फर्स्ट क्या बना, 30 इज इक्वल टू डी, डी मतलब लेंथ ऑफ दिस एस्केलेटर, क्योंकि यही लेंथ ही तो ट्रेवल करेगा टोटल, तो अपॉन स्पीड ऑफ एस्केलेटर प्लस स्पीड ऑफ मैन। क्लियर? सेकेंड केस, द सेम मैन कैन वॉक डाउन दिस मूविंग अप एस्केलेटर इन 90 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो, बोलता है कि ये एस्केलेटर तो ऊपर जा रहा है, इस मूविंग अप एस्केलेटर को आदमी नीचे की तरफ उतरता है 90 सेकेंड्स में। क्लियर? तो उस केस में क्या होगा, देखो, 90 सेकेंड में वो मूविंग एस्केलेटर से नीचे उतरा, तो आप लोग टी कितना है, 90 सेकेंड, डी कितना है, डी तो सेम ही है लेंथ ऑफ एस्केलेटर, अपॉन देखो ये है स्पीड ऑफ मैन, ये है स्पीड ऑफ एस्केलेटर। क्योंकि आदमी नीचे तक उतर पा रहा है, इसका मतलब आदमी की स्पीड इस एस्केलेटर की स्पीड से ज्यादा है, वरना तो वो कभी नीचे ही नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो इस केस में आप लोग क्या लिखोगे, एस एम, क्योंकि एस एम बड़ा है आप लोगों को पता है, माइनस एस ई, स्पीड ऑफ मैन माइनस स्पीड ऑफ एस्केलेटर। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई, दो इक्वेशन लिखने समझ में आ गई? ठीक है, होपफुली आ गई होगी, क्योंकि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया एस्केलेटर क्या है। अगर किसी को समझ में नहीं आता तो रिलेटिव स्पीड का एकदम अपोजिट लगा लेना एस्केलेटर। क्लियर? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चंस में देखो, आप लोगों को निकालना क्या है, हाउ मच टाइम ही टेक टू वॉक अप द एस्केलेटर व्हेन इट इज नॉट मूविंग। वो बोल रहा है कि अगर एस्केलेटर मूव नहीं कर रहा है तो कितने टाइम पे वो इस एस्केलेटर को पार कर लेगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे मेरे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। क्लियर? जबकि वेरिएबल क्या है, 3 है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, अगर आप लोग ध्यान दो, इस क्वेश्चन में एक वेरिएबल ऐसा है जो क्या है, क्या है, जो कि कांस्टेंट है पूरे क्वेश्चंस के लिए, और वो कौन सा वेरिएबल है आपका, वो वेरिएबल है मेरा डिस्टेंस, दिस लेंथ ऑफ एस्केलेटर। ये तो सेम ही है ना सारे कंडीशन में, ये लेंथ तो, लेंथ ऑफ एस्केलेटर तो चेंज होने नहीं वाली है, लेंथ ऑफ एस्केलेटर तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा जब आप किसी कंडीशन में फंस जाओगे, या इस कंसेप्ट को आप बहुत सारे क्वेश्चंस पे भी यूज कर सकते हो जल्दी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इस पे भी आप लोगों को अप्रोच करा दूं। ठीक है, एक दो और नेक्स्ट वीडियो में एक दो क्वेश्चंस और इस टाइप के डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है लेंथ ऑफ एस्केलेटर को मैं अज्यूम कर सकता हूं कुछ भी। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ एस्केलेटर क्या है, कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल नहीं है ये एक्चुअल में एक कांस्टेंट है, तो मैं इस कांस्टेंट को अज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पर, मैं मान लेता हूँ कि चलो जो लेंथ ऑफ एस्केलेटर है ना वो 30 मीटर है। अब 30 मीटर क्यों माना, अब आप लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा ही है, क्यों? क्योंकि 30 से दोनों कैंसिल आउट होंगे, इसलिए मैंने 30 माना। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या बन गया यहाँ पे आपका, ये बन गया 30 इज इक्वल टू 30 अपॉन SE प्लस SM, 30 30 कैंसिल आउट, तो यहां से बोल सकते हो आप स्पीड ऑफ एस्केलेटर प्लस SM इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या बना, 90 इज इक्वल टू 30 ओवर SM माइनस SE, 1 जा 3 जा, 90 लेना था, ज्यादा आसान पड़ता LCM में, चलो छोड़ो। ठीक है, तो यहां से क्या बना मेरे पास, SM माइनस SE इज इक्वल टू 1/3।
90 लेकर सॉल्व करना आप लोग, ठीक है? एलसीएम 30 और 90 का एलसीएम 90 लेना, क्लियर? ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर